पीडीएम ने यह फैसला किया है कि हम मुल्क में जलसों का जाल बिछा दें। ये जो कोरोना, रमज़ान शरीफ, सख्त गर्मियों का मौसम और उसकी वजह से कुछ जलसों में फासले आ गए हैं, एक तासर लिया है और ये शायद आम लोगों में भी ये तासर हो। हम जो शेड्यूल देने जा रहे हैं इस तासर को हम बहा कर ले जाएंगे। उन्होंने अपनी पूरी संजीदगी के साथ ये कोशिश की कि पीडीएम की पीठ पे छुरा घोंप दें। पीडीएम ने एक बार फिर मुल्क गिर जलसों का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं तहरीक से पीडीएम गैर फाल होने का तासर बहा ले जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपा। पीपल्स पार्टी का मसला किस्सा पारीना बन चुका है। वकला और मीडिया तंजीमों के एहतजाज में शिरकत करेंगे। पीडीएम आज कराची में मैदान सजाएगी। बागे जिना में जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। पिंडाल तैयार, हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। जेयूआई के 10,000 रजाकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ समेत दीगर कायदीन हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसाएंगे। पीडीएम का जलसा वलसा है कल या जलसी शलसी ये कर रहे हैं, आप देखेंगे कि इस जलसे के बाद फिर फजलुर रहमान साहब कुछ दिनों के लिए बीमार हो जाएंगे। आधे लोग मरियम नवाज के पीछे लगे हुए हैं, आधे लोग आपके पीछे लगे हुए हैं। सिंध में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत का खात्मा होगा। पीडीएम जलसे के बाद मौलाना फजलुर रहमान फिर बीमार पड़ जाएंगे। नून लीग पहले क़यादत का इंतखाब करे, फिर जलसे करे। कुछ लोग शहबाज शरीफ और कुछ मरियम नवाज के पीछे हैं। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। फवाद चौधरी के पीडीएम और पीपल्स पार्टी परिवार, कहा सिंध में भी पीपल्स पार्टी का खात्मा होगा। नाहल तरीन सेलेक्टेड को भगाएंगे। कठपुतली हुकूमत का मुकाबला सिर्फ पीपल्स पार्टी कर सकती है। बिलावल भुट्टो की ललकार, बोले खान साहब रोटी छत और रोजगार छीन रहे हैं। तब्दीली का असल चेहरा गरीब दुश्मनी है। ये खान साहब की पहली और आखिरी हुकूमत है। क्या अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होगा? हुकूमत तैयार, ऑपोजिशन का साफ इनकार। इलेक्शन कमीशन का भी मौकफ सामने आ गया। इदारे का कहना है मशीन सूदमंद साबित हुई तो इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। मशीनों पर अदम एतमाद के हवाले से खबरें हकायक पर मबनी नहीं। मिठास में महंगाई की कड़वाहट, चीनी की कीमत को पड़ लग गए। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कोयटा में 110 रुपए किलो फरोख्त। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुजरावाला, फैसलाबाद, पिशावर, हैदराबाद में चीनी 105 रुपए किलो मिलने लगी। दाल मुर्गी से महंगी, आवाम के लिए दो वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल। सिंध में आटे का 10 किलो का थैला 20 रुपए इजाफे से 590 रुपए में फरोख्त होने लगा। 100 किलो गंदम की कीमत 5,300 रुपए हो गई। महकमा रेलवे तरक्की की पटड़ी से क्यों उतरा? बड़ी वजह सामने आ गई। मुलाजमीन की तादाद 67,406, पेंशनर्स 1,23,000 से भी ज्यादा। तनख्वाहों की मद में सालाना 28,58 करोड़, जबकि पेंशन की मद में 42 अरब जाते हैं। सरकारी मुलाजमीन सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर सोशल मीडिया के इस्तेमाल से रोक दिया। फैसले का मकसद मालूमात अफशा होने से रोकना है। अब मैंने बाइसिकल ले लिया, तीसरा दिन आज बाइसिकल ये है, फिर ये मैंने वेट्स रखे हैं नीचे, ये साथ में मैं क्रंचेस करूंगा। सो 45 मिनट्स बाइसिकल क्रंचेस, बिट ऑफ वेट्स एंड रेडी टू गो। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने मेलबोर्न में करंटीना के दौरान मूछे रखे, वर्जिश को भी मामूल बना लिया। वीडियो पैगाम में कहा मूछे रखना करंटीना स्टाइल है।
मुमताज गुलकार परवेज मेहदी को हमसे बिछड़े 16 बरस बीत गए, उनके सुरीले गीतों के मदह आज भी दीवाने।